तो आज आप लोग के इंग्लिश का एग्जाम था और बच्चों की तरफ से मिक्स रिव्यू आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा सीबीएसई को कि उसने पिछले साल की सारी खुन्नस जो है, अपनी सारी जो अंदर का गुस्सा वो निकाल दिया टर्म वन के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू के नाम पर इसने जो हमें ठगा है ना भाई, मेरे को भी आज डिसअपॉइंट हुआ। मैं कभी भी सीबीएसई को गलत नहीं कहता था, लेकिन आज कहूँगा कि सीबीएसई ने गलत किया है, क्योंकि भाई पैसेज के नाम पे उन्होंने ऐसा पैसेज पकड़ा है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि यार क्वेश्चन क्या दे रखा है, पैसेज क्या दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है। मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में पेपर दे रहे हैं, हमें जो है इंडिया के रहने वाले नहीं है और हमें इतनी हार्ड इंग्लिश आती है। मैं सच कह रहा हूँ भाई, क्लास 10 के लेवल के दो ना, कोई हम यहाँ पे इंग्लैंड होना जा रहे हैं या फिर हम कोई इंग्लैंड मतलब जो है कॉलेज के पेपर दे रहे हैं कि हमें कैम्ब्रिज में जाना है, हमें कहीं जाना है, कोई बाहर जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो लेवल का बनाना चाहिए था। इनफैक्ट आप लोग बताओ आप लोगों का पेपर कैसा गया, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा स्कोर करना टर्म टू के अंदर, फाड़ के रख देना सीबीएसई को और दिखा देना कि सीबीएसई, और जब तुम टॉप करोगे ना ऑल ओवर इंडिया, तुम जब इंटरव्यू में आना तो फाड़ करके कह देना कि सीबीएसई तूने हरकतें तो बहुत करी थी मेरे साथ।